गाइस, आज का ब्लॉग बनेगा रिक्शा पर। जी हाँ, आपने सही सुना है, आज का ब्लॉग है रिक्शा ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि ये रिक्शा ब्लॉग क्यों, क्योंकि दोस्तों यही मेरी रोजी रोटी है। मैंने सोचा एक ब्लॉग भी बना लूँ आप लोगों के लिए रिक्शा के ऊपर। क्या है ना, काम के साथ साथ ब्लॉग भी कर रहा हूँ, तो सोचता हूँ काम को भी ब्लॉग में ही डाल दूँ, कैसा रहेगा। हकीकत बताना चाहिए अपनी, अमीर तो हूँ नहीं, गरीब हूँ, लेकिन चला लेते हैं। रिक्शा ड्राइवर बनने का भी जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने वक्त रहते पढ़ाई नहीं की, और मतलब मैं नाकाम इंसान हूँ। ऐसा कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं, मतलब 9th तक पढ़ा हूँ, वो भी मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, बाप का साया नहीं। बहुत मेहनत करते हैं, अभी तक मेहनत कर रहे हैं मेरी मम्मी, लेकिन क्या बताऊँ आपको कि मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ बन नहीं पाया। मुझे ऐसी संगत मिली, अच्छे भी दोस्त मिले, बुरे भी मिले, मैं लापरवाह होते गया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते गया, और पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लोगों के साथ घूमना फिरना बैठना यहाँ जाना वहाँ जाना वही सब चक्कर में रह गया, जिससे कि मैं आज रिक्शा ड्राइवर हूँ। वो भी मुझे तब बना हूँ मैं, जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो लोग मुझे बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, वही हुआ। हर कदम इंसानों को मजबूरी और मुसीबत झेलना है, ये गरीबी होने का एक एहसास दिलाता है, लेकिन अगर गरीब चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन हर किसी की नसीब एक जैसी नहीं होती। अपनी स्टोरी बंद करते हुए और नई शुरुआत करते हुए हम चलते हैं गाड़ी पर, और आपको भी कुछ दिखाएंगे। चालू हो गई बात, एक्सेल पे चालू हो जाना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। तीन तीन चार चार दिन गाड़ी खड़ी रहती, चालू नहीं होती जल्दी, वो बारिश की बात कर रहा हूँ मतलब, और बाकी सब तो बढ़िया है। चलते देखो दोस्तों, काम धंधा इतना ठंडा है कि पूछो मत। रिक्शा ब्लॉग बनाने का यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ, कुछ जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें वो दिखाऊँ, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, कैसा मैं चल रहा हूँ, कैसा मैं उठ रहा बैठ रहा हूँ, ये सब कोशिश है मेरी कि आपको बताऊँ। हाँ तो दोस्तों, आमिन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रिक्शा का ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी रिक्शे का भी ब्लॉग बनाना चाहिए। अरे भाई, जब ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है तो यही बनाएंगे ना। हम आ चुके हैं अपने अड्डे पे, और बोनी करना है हमें, और पहला भाड़ा देखते हमें 20-30 रुपए का भी मिल गया बहुत है, क्योंकि लोग ऑफिस टाइम पे अगर जिन्हें भागना रहता है वही लोग सुबह उठते हैं और फटफट फटफट भागने सकते कुछ भी पकड़ के। और हो चुके हैं हम लेट, 10 बज चुके हैं, तो फिर जो मिले वो अपना, सब अपना। हम एक भाड़ा मिला 70 रुपये का, और हम आए हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल, पीछे है LTT, और चाय पी रहे हैं। चाय पिए नहीं थे, नाश्ता से किए थे घर से निकल कर, तो सोचा कि एक आज चाय पी ले, तो चाय पी रहे हैं अभी, और ये चाय की लकड़ी। गाड़ियाँ इतनी है कि रोड पे पूछो मत, पब्लिक ही नहीं है, गाड़ियाँ बहुत है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाते, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते तो हमें भाड़ा मिल जाता था पहले का टाइम, और अभी का टाइम ऐसा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, जहाँ से हमने शुरुआत की हमें वहाँ वापस खाली आना पड़ता है, चाहे आप 1 घंटा भी ना बैठ लो। हाँ, कभी कभार 18-20 रुपये के भाड़े मिल जाते हैं आपको, आप जहाँ रुके हुए हो, वरना वो भी नहीं मिलते आजकल, ऐसा हो गया हो। खास करके दिन दोपहर में तो कोई भी नहीं निकलता, ये मुंबई शहर का इतना बदलाव हो गया है, रात की तो बात ही छोड़ो। दोपहर के हो चुके हैं अभी 12, और हम घूम फिर कर वापस अपनी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आकर बैठ गए। बैठने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और आप बैठेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, मतलब कि कंटिन्यू रनिंग इधर से उधर, एक भाड़ा छोड़ा दूसरे भाड़े के लिए हम रिटर्न वापस अपनी जगह पे चले जाए, ये तो गलत होगा ना। मतलब कि
गैस इतना जाएगा कि पूछो मत, जितनी कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा गैस चले जाएगा, फ़ायदा नहीं है। और धंधा पानी एकदम स्लो चल रहा है, खाली है सब कुछ। मतलब एक टाइम पे ये भीड़ वाली मुंबई जानी जाती थी, आज खाली खाली सी मुंबई हो गई है। देखिए गार्डन के बाहर गार्डन के आसपास लोग बैठे हैं, गार्डन ही चालू है, लोग बाहर बैठे हैं, अंदर भी नहीं जा सकते। लोगों को आज़ादी अभी पूरी तरह से मिली नहीं है, वो भी ये परेशानी चल रही है कोरोना की, तो सोच संभल कर और ध्यान रखकर चलना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ता है, मास्क यूज़ करना पड़ता है। कब तक ये चलेगा पता नहीं, लेकिन जब तक चलेगा तब तक हमें अपनाना है। आप भी अपनाओ। छाप रहे के लिए भाई साहब गुड, ये अपने योगेश भाई। हाँ भाई, योगेश भाई छाप रहे हैं और चाय पिलाने जा रहे सबको। रहमान भाई को चाय नहीं पिला रहे, मेरा 5 रुपया देने का अभी तक चाय नहीं पिला रहा। मतलब 5 रुपया मत दे, मेरे को चाय पिला। दो बार अंधेरी का भाड़ा दिया वो के चाय पिलाओ भाई, रहमान भाई बोलो चाय। चाय किसको पिलानी चाहिए अब, वो कैसे बोलो दो बार भाड़ा दिया चाय किसको मिलेगा। आज पिलाया भाई, आज नहीं भाई, वो हो गया अभी। अरे अच्छा, पहले टाइम में तब भी पी रहे चाय। 10-15 दिन पहले की बात है यार, आज बोल रहा है अभी की बात है ना यार। ये भाई को चाय नहीं पिला रहे, ये भाई 5 रुपये का सवाल है। 5 रुपये का, 5 रुपये का सवाल तो खत्म हो गया, वो सब मजाक मस्ती हो गई, चाय भी पी लिए। लेकिन ये क्या है, बिना मौसम की बरसात चालू यार। ये मुंबई का ना क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है, कभी भी बढ़ता है। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती कि कब गर्मी हो जाए और कब बारिश हो जाए, कब ठंडी पड़ जाए। मुंबई इसीलिए जानी जाती है लगता है, सब अजीब होता है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और घंटी बजाना ना भूलिएगा। चलो चलते हैं, खुदा हाफिज़।